एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। प्रीवियस 7 चैप्टर तक के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। 1/2 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल, √3/2 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 0। इस कंडीशन को जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, इफ कॉस इक्वल टू 4/5 देन टेन ए इज इक्वल टू। यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कॉस ए हमें गिवन है 4/5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूस कितना है 5। टेन ए हमें फाइंड करना है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। यहां पे हम ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 5, 5 का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस है 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर ले आएंगे माइनस का 16 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, यहां से स्क्वायर हटा तो ये इक्वल में रूट लग जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3। यहां हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या आया 3, बेस क्या हो गया 4, टेन ए की वैल्यू 3/4। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ही, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 देन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल। साइन प्लस कॉस हमें √2 गिवन है, हमें टेन प्लस कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टेन को हम सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट ये कॉट है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन कॉस का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो इस कंडीशन को तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे इस कंडीशन को लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2। अब साइन और कॉस का मल्टीप्लाई कब आएगा, एक ही कंडीशन में आ सकता है जब हम इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक कंडीशन में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगाते ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2। 1 को इक्वल में ले जाएंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1 और 2 डिवाइड में आ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे क्या मिल गई, 1/2। तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं, 1 अपॉन में 1/2, 2 कहां जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या हो गया, 2। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Next, question number 4th is, if 16 cot x equal 12, then sin x minus cos x upon with sin x plus cos x equals. Given हमें क्या है? 16 cot x equal 12. इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cot x is equal to 12 by 16. 4 से दोनों divisible है. 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. अब cot x जो है, वो होता है base upon में perpendicular. तो एक right angle triangle form करते हैं. Base है 3, perpendicular है 4. यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे. हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 4 प्लस बेस 3. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 25. हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट 25. स्क्वायर हटा तो रूट लग गया. इक्वल 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो हाइपोटेनस आ गई 5. अब हमें वैल्यूज चाहिए यहां पे साइन और कॉस की. साइन क्या होता है? साइन एक्स आएगा हमारे पास. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन क्या हो जाएगा 4/5. कॉस एक्स, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 3/5. वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, तो साइन माइनस कॉस 4/5 माइनस 3/5 अपॉन में साइन प्लस कॉस 4/5 प्लस 3/5. दोनों का डिनोमिनेटर बेस दोनों का सेम है, तो ये डिनोमिनेटर 5, ऊपर क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 अपॉन में, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 5, ऊपर 4 प्लस 3 7, 5 से 5 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 1/7. ऑप्शंस में 1/7 ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी इज. यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोला है एबीसी, जिसमें राइट एंगल है बी पर, और वैल्यू जो है वो ए के टर्म्स में दिए, तो राइट एंगल के सामने क्या लिखेंगे? ए. यहाँ पर आ जाएगा सी. अब टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस रूट 3. अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बेस का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, एच इक्वल अंडर रूट 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. हाइपोटेनस आ गया 2. अब ये जो हमारी वैल्यूज आई है वो ए के टर्म्स में आई है, वैसे ही यहाँ पे सी के टर्म में भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए को राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल बी के सामने सी रखेंगे, यहाँ ए हो जाएगा. अब वैल्यूज चेंज हो जाएगी. ए बी क्या है? रूट 3, रूट 3 इधर हो जाएगा. फिर बी सी 1 और ए सी 2. अब यहां पर कंडीशन थी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी. साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इंटू कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस प्लस कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है. साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. अब साइन ए, ए की वैल्यू हम राइट एंगल ट्राइंगल के सामने ए जो है वो क्या लेंगे? पी बाय एच, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई. सी के टर्म्स में वैल्यू यहां से लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 प्लस यहां पर ए के टर्म्स में बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट 3/2 मल्टीप्लाई, यहां से लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रूट 3/2. सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 2 जा 4. एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1. ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थे, इफ sin x plus cos x equal to, then sin to the power 19x plus cos x to the power 20x is. यहां पे हमें देख के रखा है कि sin x plus cos x इक्वल टू है और हमें फाइंड करना ही है. अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं.
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल साइन का मल्टीप्लाई ऊपर 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स को इधर ले आते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल 0 अब ये पूरी कंडीशन को ध्यान से देखो तो ये बन रहा है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab 2 साइन एक्स इनटू 1 2 साइन एक्स 1 का स्क्वायर 1 इक्वल 0 अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0 0 का रूट 0 ही रहेगा तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल 1 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 हमें कॉसेक में भी चाहिए तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स हमारे पास है तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आई 1 अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है यहां पर है sin टू द पावर 19x मतलब हम इसे लिख सकते हैं sin x की होल पावर 19 प्लस cosec 20 की पावर 20x तो इसे लिख सकते हैं cosec x की पावर 20 अब यहां पे sin की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 की पावर 19 प्लस cosec x की आई है 1 की पावर 20 1 की पावर कितनी भी हो क्या आएगा 1 प्लस 1 की पावर 21 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट यहां पे 2 बाय 2 लिख दिया है यहां पे हम चेंज कर देते हैं 2 की पावर 21 लिख देते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू k sec स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ k इज ये कंडीशन हमें गिवन है इसे सॉल्व करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पे क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस sin थीटा इक्वल k sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा होल के अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल के सेक स्क्वायर थीटा अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल प्लस माइनस का 1 प्लस 1 2 अपॉन में अब यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस b a माइनस b ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल ये k sec को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 बाय cos होता है तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा अब यहाँ क्या बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है cos स्क्वायर थीटा तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल क्या बचा के इंटू 1 के के इक्वल टू 2 के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 ऑप्शंस में चेक करेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट है आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 थे वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a इनटू 1 माइनस cos a इक्वल अब यहां पर कंडीशन हमें क्या दी है cosec a प्लस cot a मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos a cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a cot को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है साइन ए ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस ए अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है। कैसे निकला, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमें कहीं में फाइंड करना है कॉस में, तो ये कॉस इक्वल में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या रिमेनिंग रह गया साइन ए। ऑप्शंस पर देखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ रूट टू साइन 60 माइनस ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। कंडीशन हमें क्या गिवन है, रूट टू साइन ब्रैकेट में 60 डिग्री माइनस ए इक्वल 1। रूट टू को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस ए इक्वल 1 बाय रूट टू। अब साइन के टर्म्स में अगर यहाँ पे हमें कंडीशन बनाना है, तो रूट 1 बाय रूट टू कब आता है साइन के टर्म्स में, साइन 45 डिग्री पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन 45 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, कंडीशन क्या रिमेनिंग रह गई, 60 डिग्री माइनस ए इक्वल 45 डिग्री। अब ए को इक्वल में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 45 नेगेटिव में, 60 माइनस 45 इक्वल ए, 60 में से 45 गया 15, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थी, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल 2। कंडीशन हमें दी है ये कि हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है, और हमें फाइंड करना है ये। अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो इससे हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा इक्वल होता है 45 डिग्री के, तो यहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया। अब इसे लेते हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा की होल पावर 4 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 4। यहां पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की होल पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की होल पावर 4। साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2 की होल पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2 इसकी भी होल पावर 4। अब यहाँ पे 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, लेकिन रूट 2 की पावर 4 मतलब रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 जा 4, 4 सेम यहाँ पर आएगा 1 बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2। ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू का कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।